नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नगर संभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नए मीटर कनेक्शनों के लिए उपभोक्ताओं को अब परेशान होना नहीं पड़ेगा। कंपनी के द्वारा नगर वृत्त के क्षेत्रों के लिए पर्याप्त विद्युत मीटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। नगर संभाग के अधीक्षण अभियंता के मुताबिक लगभग 600 नए मीटर कनेक्शन के आवेदनों पर मीटर लगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके नए मीटर के कनेक्शन लंबित हैं, उन्हें अब मीटर लगने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नगर वृत्त संभाग को बड़ी मात्रा में विद्युत मीटर उपलब्ध करा दिए हैं, जिसके बाद विद्युत विभाग ने तेजी से नए मीटर लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने बताया कि जल्द ही मीटर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सिटी सर्किल में घरेलू और कॉमर्शियल कनेक्शन मिलाकर लगभग 600 विद्युत मीटर लगाए जाने हैं। अब हमारे पास में मीटर्स भरपूर अवेलेबल हैं और हम लोग ने टारगेट रखा है कि जो भी हमारे पेंडिंग नए कनेक्शन हैं उसको आने वाले 3 दिनों में पूरे कंप्लीट कर देंगे, जो कि मीटर्स के रिक्वायरमेंट के कारण पेंडिंग थे। तो नए मीटर्स के करीब करीब 600 कनेक्शंस हैं जो कि नए मीटर्स के कारण अभी विदेल्ड थे, तो वो आने वाले 2 से 3 दिन में डिस्बर्स हो जाएगी। खास बात यह है कि कंपनी ने बिजली के नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली पोर्टल से आवेदन करने की सुविधा दी है। उपभोक्ता घर बैठे इस सुविधा का लाभ लेकर कनेक्शन का आवेदन कर सकते हैं। अगले 4-5 दिनों में पानी नहीं बरसा तो आधे शहर में जल संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि परियट जलाशय में मात्र 8 फीट पानी शेष है और बरगी बांध की नहर से परियट को मिलने वाला पानी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि नहर की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। परियट जलाशय में सिर्फ 8 फीट पानी शेष बचा है। अगले 4-5 दिनों में पानी नहीं बरसा तो शहर के उन इलाकों में आंशिक रूप से जल संकट उत्पन्न हो सकता है जिन क्षेत्रों में परियट से जलापूर्ति होती है। दरअसल परियट को बरगी बांध की जिस नहर से चार्ज किया जाता है उस नहर में सुधार कार्य हो रहा है और नहर से जलापूर्ति कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। नहर के रिपेयर के लिए अभी जल संसाधन विभाग ने शटडाउन लिया हुआ है। उनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर नहर कर रिपेयर कर देंगे, तो इस बीच में उन्होंने पानी सप्लाई उसमें बंद की है। तो हमारा जो पानी है वो अभी हम ले रहे हैं। जब नहर बंद हो जाएगा तब थोड़ी समस्या पानी की आ सकती है, तो उस समय जैसी स्थिति होगी वैसा निर्णय किया जाएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल संकट पैदा ना हो उसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो खंडारी जलाशय से जलापूर्ति कराई जाएगी। खंडारी में पर्याप्त पानी है। अबुल कलाम आजाद वार्ड में व्याप्त जल संकट की शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने महापौर जगत बहादुर सिंह से की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि क्षेत्र की बोरिंग खराब हो गई है, लेकिन अधिकारी सुधार कार्य नहीं करा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अबुल कलाम आजाद वार्ड के कुछ इलाकों में भीषण जल संकट व्याप्त है। क्षेत्र के ट्यूबवेल खराब हो गए हैं और उसको सुधरवाने में विलंब हो रहा है, जिससे कई परिवार पानी के लिए परेशान हैं। पीड़ित परिवारों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से शिकायत करते हुए मांग की है कि जल वितरण व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड से आए थे हम लोग, थोड़ा पानी की समस्या। हम लोग 15 से 20 साल जो थे हम लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। 30 से 40 परिवार है हम लोग का, वहाँ एक्चुअली पानी की समस्या है। हम लोग टोटल हम डिपेंड जो हैडपम्प से है। हम लोग महापौर के पास आए ज्ञापन देने कि हम लोग समस्या जो है हम लोग की जल्दी जल्द निरा करें और एक आठ पाइपलाइन डाल के हेडपम्प बोरिंग की व्यवस्था करें जल्दी। तो महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्द आपका जो है बोरिंग डलवा देंगे। महापौर ने पीड़ित परिवारों को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। पाटन थाना क्षेत्र के ग्वारी ग्राम में एक घर के बाड़े में असुरक्षित ढंग से ड्रमों में भारी मात्रा में भरकर रखे गए डीजल और पेट्रोल को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने की है। इस मामले में गांव के एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया गया है। पाटन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्वारी ग्राम में रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर के घर के बाड़े में असुरक्षित ढंग से डीजल पेट्रोल संग्रहित करने की सूचना पुलिस को मिली थी।
इस सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और मौके पर 20 ड्रमों में असुरक्षित ढंग से संग्रहित कर रखा गया 3600 लीटर डीजल और 360 लीटर पेट्रोल जब्त किया। मामले में ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि ब्रजेंद्र सिंह के हाईवा और अन्य वाहन चलते हैं, इसलिए उसने वाहनों में डालने के लिए डीजल और पेट्रोल का संग्रहण किया था। जब्त किए गए डीजल पेट्रोल की कीमत लगभग 3,62,000 रुपए है। थाना पाटन की पुलिस और क्राइम ब्रांच जबलपुर के द्वारा एक संयुक्त दबिश दी गई थी और उसमें ये पाया गया कि ग्राम ग्वारी के में निवासी ब्रजेंद्र सिंह के कब्जे से अवैध ज्वलनशील पदार्थ मिला है। इसको जब्त करके आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फिल्मी स्टाइल में आंध्र प्रदेश से ट्रक में छिपाकर लाया गया 136 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने गांजे की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी नारियल की बोरियों के आड़ में वारंगल से गांजे की खेप लेकर जबलपुर आए थे। आरोपी गांजे की सप्लाई कर पाते इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक गांजे की कीमत 27 लाख रुपए है। पुलिस ने गांजे का परिवहन करने वाले ट्रक को भी जब्त कर लिया है। जबलपुर पुलिस ने आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले से नारियल की बोरियों के आड़ में ट्रक में गांजा लेकर आए दो गांजा तस्करों भूपेंद्र यादव और डोंगर सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक से 136 किलोग्राम गांजा बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। इसके साथ ही ट्रक और उसमें लोड नारियल की बोरियाँ भी पुलिस ने जब्त कर ली हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी विदिशा के रहने वाले हैं। इनमें से भूपेंद्र ट्रक का मालिक है और डोंगर सिंह ट्रक चालक है। जबलपुर एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि एडीजी उमेश जोंगा के नेतृत्व में नारकोटिक्स विंग और गोरखपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तिलवारा से नया गांव होते हुए आ रहे एक ट्रक MH18BG8078 को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा और जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। मामले में NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में गांजा वारंगल से जबलपुर लाए जाने की बात सामने आई है। अब पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। नारकोटिक्स को लेकर एक स्पेशल ड्राइव 12 जून से चल रही है। उसी क्रम में अवैध मादक द्रव्यों की धरपकड़ पूरे जिले में और पूरे जोन में लगातार की जा रही है। उसी क्रम में हमारे एडिशनल DG उमेश जोगा साहब का लगातार पूरे जोन में ऐसे मादक द्रव्य के अपराधियों को पकड़ने के जो निर्देश थे, उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सूचना पर एक ट्रक जो नारियल लोड किए हुए था और उसके नीचे ये अवैध रूप से एक कुंटल 36 kg गांजा मिला है और इसमें दो आरोपी पकड़े गए हैं। ये वारंगल से लेके आ रहे थे गांजा, ऐसा इन्होंने बताया। जबलपुर में इन लोगों को आसपास के जिलों में भी सप्लाई करना था, मूल रूप से ही नरसिंहपुर तरफ जा रहा था। तो इसमें चूंकि समय रहते इनको सूचना मिल गई तो उसमें हमारे एडिशनल SP संजय अग्रवाल जी, प्रतिष्ठा राठौर जी, हमारे TI अरविंद चौबे जी और प्लस हमारे IG ऑफिस के कर्मचारियों ने, सब लोगों ने इसमें पूरे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को शेयर करके और इसमें कार्रवाई करी है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि जबलपुर पहुंचा गांजा कहां कहां सप्लाई किया जाने वाला था। पुलिस को शंका है कि गांजे की सप्लाई जबलपुर के साथ ही आसपास के जिलों में भी की जाने वाली थी। गोहलपुर पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में शराब जब्त की है, लेकिन पुलिस की दबिश के दौरान कार चालक कार मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। अवैध शराब कार की डिक्की में छिपाकर लाई जा रही थी। कार से 850 पाव देशी शराब बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये बताई जा रही है। गोहलपुर पुलिस ने बीती रात कोदवारी चौक के पास एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। पुलिस ने जब कार को रोका तो कार का चालक चकमा देकर मौके पर कार छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिक्की में अवैध देशी शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसमें कुल 850 पाव देशी शराब थी जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर लिया है और प्रकरण दर्ज करते हुए अब कार सवार की पतासाजी में जुट गई है। कल की रात में एक स्विफ्ट गाड़ी जो कि भाग रही थी उसमें से 850 पाव देसी शराब जब्त की गई है। इस स्विफ्ट कार का ड्राइवर फरार हो गया है और ये जो शराब है करीबन 80,000 रुपये कीमत की है।
थाना गोहलपुर में अपराध पंक्ति पर दिए। बताया जाता है कि कार की नंबर प्लेट पर आर्मी लिखा हुआ है और नंबर प्लेट पर MH नंबर अंकित है। कार किसकी है और उसमें कितने लोग सवार थे, ये सब पता लगाया जा रहा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।